ईद कुर्बान आते ही टोके और छुरियों की फरोख्त अरूज पर पहुंच जाती है। कोई नए आलात खरीद रहा है तो कोई पुरानों की धार बनवा रहा है, किसी को गोश्त काटने के लिए मुंडी चाहिए तो कोई बारबेक्यू के लिए सीखें और अंगीठियां खरीद रहा है। इस लिहाज से बात करेंगे दुकानदारों से कि उनका क्या कहना है, पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार की क्या सूरत हाल है। बस भाई नॉर्मल है, पिछले साल तो अच्छा कारोबार था, इस साल कुछ थोड़ा कम में कमी महसूस हो रही है। और इसके अलावा रेट्स में क्या फ़र्क पड़ा है पिछले साल की नस्बत इस साल? इस साल रेट का मसला ये है भाई, असल जिससे मांग ना ज़्यादा रेट तो वो कहते हैं यार महंगाई है, कारोबार है नहीं, क्या करें, इतने पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वही रेट रखा है पिछले साल वाला जो पहले चलता था हमारा रेट। मतलब किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की गई? नहीं जी नहीं, बिल्कुल वही रेट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके पास किस तरह के कस्टमर आते हैं, कोई पुरानी छुरियों के धार बनवाने या कोई नई आलात खरीदने आते हैं? फिलहाल तो भाई पुरानी छुरियों के आ रहे हैं कस्टमर और नई वाले कम आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं अभी तो लोगों ने कोई चीज़ ली भी नहीं है कुर्बानी के लिए, कोई लेंगे तो फिर कुछ नई चीज़ लेंगे ना। लोड शेडिंग की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपका मोस्टली कारोबार लोड शेडिंग बिजली पे डिपेंड करता है, तो इस लिहाज से आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? लोड शेडिंग का ये मसला है भाई, लाइट चली जाए तो हमें बहुत परेशानी होती है, तो काम कर रश लग जाता है, कस्टमर बहुत परेशान होते हैं। सर पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार पर क्या असर पड़ा है? ये लॉकडाउन की वजह से बहुत असर पड़ा है, क्योंकि महंगाई भी हो गई है और रेट ज़्यादा होने की वजह से कम लोग आ रहे हैं काम कराने। पहले पिछले साल ये था कि 15-20 दिन पहले हम शुरू हो जाते थे, काम मुसलसल रूटीन में आ जाता था, और अब जो है ना अभी तक काम वो रूटीन नहीं है मुसलसल वाली। सर रेट के हिसाब से क्या कमी पेशी हुई है पिछले साल की निस्बत? रेट हमारे जो लगवाई वाले हैं, तेज़ कराई वाले हैं, वही हैं, ठीक है, और जो नया माल है वो हमें महंगा मिला है, ब्लैक में मिला है, इसीलिए उसका तो ऑटोमेटिकली महंगा होगा। सर सबसे ज़्यादा किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, चुनिया तेज़ करवाने वाले या नए आलात खरीदने वाले? अभी तक तो मुरम्मत वाले हैं, तेज़ कराने वाले, नए वाले बहुत कम हैं। छुरी ज़्यादा चलती है, टोके तो कम ही इस्तेमाल होते हैं, जानवर में ज़िबा करने के लिए कुर्बानी के लिए छुरियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वैरायटी के हिसाब से होता है, ठीक है ना, जैसी आप चीज़ लेंगे वैसी हमारे पास अच्छी छुरी होती है। नॉर्मली छुरी जो है 150 से शुरू होती है, फिर ये तकरीबन 400 रुपये तक छुरी होती है। और इस लिहाज से अगर टोके की बात करें जाए तो कितने से शुरू होता है और एक अच्छा कितने तक का मिल जाता है? टोका जो वज़ीराबाद का होता है ना, वो जो है ना 300 रुपये से शुरू होता है और ये 1500-1600 तक भी जाता है, अच्छा टोका जो डस्के का होता है। लोड शेडिंग की वजह से तो जाहिर है बंद ही हो जाता है काम, कल भी मुसलसल तकरीबन 3 घंटे लाइट गई रही है, उसे हम फारिग बैठे रहे हैं, कस्टमर भी परेशान था और हम भी परेशान थे। कारोबार पिछले साल की निस्बत डाउन है, इस मतलब महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम है, तो इसलिए पिछले साल की निस्बत कारोबार कम है। हाँ, कीमतों के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमी पेशी है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत, सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, कुव्वत खरीद लोगों की कम है महंगाई की वजह से, लोग और दीगर चीज़ों में पिस रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा कुर्बानी की तरफ रुझान कम है लोगों के साथ। सर इन चीज़ों में छुरी टोका और इन सब चीज़ों में किस चीज़ की फरोख्त सबसे ज़्यादा हो रही है आजकल? छुरी की फरोख्त ज़्यादा होती है, छुरी नस्बत सस्ती होती है तो उसकी फरोख्त ज़्यादा है, टोके की नस्बत टोका महंगा होता है। हाँ, छुरी 150 रुपये से शुरू होती है और 250-300 तक चली जाती है, 500 रुपये तक भी चली जाती है छुरी वो। और टोके की कीमत की? टोका की 300 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक टोका तकरीबन। सर आते नए लेने के लिए, लेकिन जो रेट अब ज़्यादा हुआ है ना, तो लोग हिचकिचा रहे हैं नया सामान लेने में, ठीक है, तो वो फिर पुराना जो सामान उनका है वो उसी पे इस्तेफादा करते हैं कि चलो यही लगवा लेते हैं, कि उनकी हैसियत ही नहीं है इतनी कि वो नया सामान ले सकें जी। लोड शेडिंग ये अचानक से होने लगी है, तो लोड शेडिंग तकरीबन हफ्तों हो गए हो रही है, और तो लोड शेडिंग होती है फिर हमारे लिए बहुत मसला बन जाता है, काम पेंडिंग हो जाता है और कस्टमर फिर आते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमारा काम आप पहले करें, तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है लोड। आप लोगों ने दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी और ईद कुर्बान आते ही लोगों का कारोबार तेज़ हो जाता है, और इस्लामी तालीमात भी हैं कि कुर्बानी के जानवर को तेज़दार आले से कुर्बान किया जाए। कैमरामैन नसीम राजपूत के साथ इरफान हैदर, बखर नेटवर्क।